The reflection and refraction of waves, ठीक है? So sound wave is just like any other wave. When it incident on a boundary between two media, then a part of incident wave is reflected into the initial medium, and the remaining will be transmitted into the second medium. So जो wave का part फर्स्ट मीडियम या जो इनिशियल मीडियम में जो रिटर्न हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. और जो नेक्स्ट मीडियम में जो ट्रांसमिट होता है विथ सम बेंडिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, ठीक है? सो सपोज करो कि ये मेरा मैंने फिगर ड्रॉ किया है, जहां पर एक एक एयर, ये पूरा एयर है, एंड यहाँ से वाटर का रीजन स्टार्ट होता है. नाउ इंसिडेंट वेव इज कमिंग इन दिस वेव, सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, एंड रिमेनिंग पार्ट गोज इन टू द वाटर. अब देखो यहाँ पर कुछ बेंडिंग हो रहा है, एंड वाटर में ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है, उससे दूर की तरफ जा रहा है. तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. फर्स्ट हम लोग जो जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट दैट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रिमेंस अनचेंज्ड. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द साउंड. सो ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी, दैट इज ओमेगा इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू ओमेगा रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू ओमेगा ट्रांसमिटेड वेव, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ऑल आर इक्वल, एंड इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द साउंड. सेकेंड पॉइंट जो देखेंगे हम लोग, कि यदि कुछ जो इसके लॉज हैं, वो पहला लॉ ये बोलता है, जस्ट लाइक लाइट वेव की तरह, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा, ठीक है? फिर जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और लाइक वहां पर जैसे स्नेल्स लॉ था, वैसे ही यहाँ पर लॉ है जो बोलता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी आई बाई वी टी, ठीक है? दैट इज, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि वी टी साइन आई इज इक्वल टू वी आई साइन आर. सो हम लोग फिगर को फिर से एक बार रेफर करते हैं. इसमें देखो क्या है कि इसमें यदि लाइट का, इसमें यदि साउंड का इंटेंस स्पीड वी आई है, ठीक है? और इसमें स्पीड क्या है, वी टी है. सो इसमें इन स्पीड मानो वी आई है, इसमें स्पीड मानो वी टी है. सो ये हो जाएगा वी आई इंटू साइन टी इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूला से क्या आ रहा है, वी आई इंटू साइन टी इज इक्वल टू वी टी इंटू साइन आई. मीन्स कि इंसिडेंट का, इंसिडेंट मीडियम में स्पीड और जो ट्रांसमिटेड मीडियम है उसका एंगल का साइन वो इसके बराबर होगा. या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन आई बाई साइन टी इज इक्वल टू वी आई बाई वी टी. और फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है? अच्छा, सेकेंड चीज है कि यहाँ पर किस केस में रिफ्रैक्शन होगा, किस केस में ये नॉर्मल की तरफ जाएगा और किस केस में ये नॉर्मल से दूर जाएगा. एज इट इज वेरी क्लियर इन द फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लाइट दैट व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल लाइन. सो यहाँ पर भी वही वही चीज होगा. जब भी साउंड वेव किसी डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगा, दैट इज साउंड, साउंड में क्या होगा, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो किसकी तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंड सिमिलरली रेयरर टू डेंसर,
टुवार्ड्स नॉर्मल। अब ये डेंसर का कंसेप्ट क्या हुआ, तो डेंसर बेसिकली हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डेंसर इज विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेव। लाइक साउंड वेव के लिए जो वाटर है वहाँ वो एक रेयरर मीडियम है, जबकि एयर डेंसर मीडियम है। क्यों? बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन वाटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो फॉर साउंड वेव वाटर इज अ रेयरर मीडियम एंड एयर इज अ डेंसर मीडियम। सो दिस इज डेंसर मीडियम फॉर साउंड वेव एंड दिस इज रेयरर मीडियम फॉर साउंड वेव। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये एंगल ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एंगल टी इज ग्रेटर देन एंगल आई। एंगल टी इज ग्रेटर देन एंगल आई मीन्स कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा है। लेकिन यही यदि वाटर से एयर में जाता है, देन द वेव मूव्स टुवार्ड्स द नॉर्मल एंड द रिफ्रेक्टेड एंगल इज लेस देन द इंसिडेंट एंगल। सो अगेन सेकेंड और कंसेप्ट है, एक एक तो कंसेप्ट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हुआ। सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि यदि रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम और रिजिड सपोर्ट, ठीक है, यदि कोई वेव डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है वो टुवार्ड्स नॉर्मल की तरफ होता है। लेकिन जब डेंसर मीडियम हो तो फेज चेंज भी पाई से हो जाता है। सो फेज चेंजेस बाई 180 डिग्री एंड द डायरेक्शन रिवर्स, दैट इज इफ द इंसिडेंट वेव इज y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, देन द रिफ्लेक्टेड वेव बिकम्स ar साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। ठीक है, इसका जैसे मैं एग्जांपल दूं कि लाइक सपोज करो कि एक इधर वाटर है एंड साउंड वेव इज स्ट्राइकिंग एट द सर्फेस ऑफ वाटर विथ एंगल आई, एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव विथ एंगल आई एंड दिस एंगल इज आर। अब देखो यहां पर एंगल आर इज लेस देन एंगल आई, ठीक है, बिकॉज फॉर एयर एयर इज डेंसर देन वाटर इन रिस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। सो फर्स्ट कंसेप्ट, सेकेंड एज एयर एक डेंसर मीडियम है सो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो पाई फेज चेंज को पाई का फेज चेंज भी उसमें होगा। सो एंड डायरेक्शन तो रिवर्स होगा ही। इसको हम लोग यदि वेव ट्रांसवर्स वेव के टर्म में बात करें तो एक ट्रांसवर्स वेव इस रूप पे यदि प्रोड्यूस हो जो कि एक रिजिड सपोर्ट से हो, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल द डायरेक्शन ऑफ वेव अपो डायरेक्शन ऑफ वेव रिवर्स एंड द फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स, बिकॉज ऑफ दैट द इन्वर्जन ऑल्सो अकर्स। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में जो इंसिडेंट वेव यदि a1 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है तो रिफ्लेक्टेड वेव में एक फाई चेंज पाई होगा और डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का प्लस हो जा रहा है। सो ये हो जाएगा। अब नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम और द फ्रेंड। सो रेयरर मीडियम का एग्जांपल इस केस में क्या होगा, लाइक व्हेन द साउंड वेव इज कमिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, सो इन दिस केस फेज चेंज डज नॉट अकर्स बट द डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, सो इस केस में द इंसिडेंट वेव ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो केवल डायरेक्शन रिवर्स होगा, मीन्स यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव में, बट एंगल फेज चेंज कुछ भी नहीं होगा। सो एंगल यहाँ पर कितना इंट्रोड्यूस होगा, +0 डिग्री होगा, दैट इज सेम होगा। एंड हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इको इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि एक सम फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है और ये एक मीडियम में जा रहा है जिसमें स्पीड वी है, तो यदि इसी प्लेस पे डिटेक्टर भी रखा रहा है तो आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल लिसन द साउंड वेव। सो आप देखो कि ये साउंड पहले यहाँ पर जाएगा डी डी डिस्टेंस ट्रेवल करके, आफ्टर वर्ड्स ये फिर डी डिस्टेंस ट्रेवल करके रिटर्न करेगा। सो द टोटल टाइम टेकन बाई साउंड इज हाउ मच,
it depends on the total distance traveled by sound is 2d and with a speed of v. So total time taken by sound to move 2d distance is equal to 2d by v, and after time 2d by v we hear the echo of sound. So नाउ इस चीज को मैंने यहाँ पर समराइज किया है दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव में मीडियम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिजिड एंड और डेंसर, रिजिड और डेंसर से होगा तो चेंज ऑफ डायरेक्शन रिवर्स तो होगा ही, फेज चेंज पाई का भी हो जाएगा, टाइम चेंज टी बाई टू का होगा एज फेज चेंज पाई है, पाई इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड. सो टाइम चेंज कितना हो जाएगा पाई बाई टू का, पाथ चेंज कितना का हो जाएगा लैम्डा बाई टू का, बिकॉज फेज चेंज पाई इज इक्वल टू पाथ चेंज लैम्डा बाई टू. रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड और रियरर, देन इन दिस केस डायरेक्शन में चेंज होगा, यस होगा. फेज चेंज में फेज में चेंज आएगा, नो. टाइम में चेंज आएगा, नो, बिकॉज फेज में चेंज नहीं आया तो टाइम में भी चेंज नहीं आया, पाथ में भी चेंज नहीं आया. सो हम लोग रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड को दिखाना चाहें तो ऐसे यदि वेव आएगा, नाउ कंसीडर दिस.